नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप धनतेरस स्पेशल ज्योतिष जराहट के, आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। धनतेरस अर्थात कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, यद्यपि इस विषय पर हमने पहले से ही बहुत सारे कार्यक्रम कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आप सबके निमित्त आज जो हम लेकर के आए हैं वो दो राय नहीं कि अपने आप में कुछ ऐसी चीजें लेकर के कहीं मिल ही नहीं सकता है। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी धन्वंतरि जो औषधियों के देव माने जाते हैं, अमृत कलश लेकर के जो अवतरित हुए कार्तिक माह कृष्ण पक्ष, यम त्रयोदशी भी कहते हैं, अकाल मृत्यु से बचने के लिए भी इस दिन एक दीपक प्रज्वलित करते हैं जैसा कि कुछ कथाओं में प्रचलन में मिलता है। मुझे कथाओं वगैरह से ज़्यादा कुछ सरोकार नहीं रहता, कहानी कहानी होती है, मानते हैं तो फल मिलता है, नहीं मानते हैं तो नहीं मिलता, वो सब विषय अलग है। कुछ प्रैक्टिकल करने के निमित्त हम विचार करते हैं। कुछ बहुत बड़ा करने पर हम विचार करते हैं, कुछ बहुत सकारात्मक करने पर हम विचार करते हैं। ये सारी स्थितियां धन त्रयोदशी के दिन ही होती हैं। धन त्रयोदशी अमृत वर्षा का है। धन त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन आप कुछ विशेष उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं धन से संबंधित, क्योंकि भगवान धन्वंतरि जो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं उनका प्राकाट्य जब इस तिथि पर था तो तिथि का महत्व तो अपनी जगह पर कई हजार गुना बढ़ जाता है। अमृत के द्वारा ही तो अमरता मिलती है, तो अकाल मृत्यु से बचना तो तय ही है। तो अगर किसी के भी जन्मांक में कहीं से भी अकाल मृत्यु वाला कुछ भी हो वो आपके लिए एक ऊंचाई लेकर के जाता है, एक ऊंचाई पर पहुंचता है। आज जो जानकारियां आप तक पहुंचाने हम जा रहे हैं, धन त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन जो दीप आप प्रज्वलित करेंगे, देखिए पूजन विधि और ये दुनिया भर का मुहूर्त मुहूर्त से हमसे कोई लेना देना नहीं, आप सब इस सब चक्रों क्रम न पड़िएगा कि हाँ कुछ लग्न स्थिर होते हैं उसमें स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, ज्योतिषीय तर्क के आधार पर 12 लग्न 24 घंटा 2 घंटे का एक लग्न लमसम होता है, उसमें भी अगर नौमांश टैली कर जाए तब तो सोने पे सुहागा है। ये मुहूर्त अपने आप में विलक्षण होता है, बाकी क्या कुछ अर्पित करना है कैसे करना है ये सब ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको लेकर के आप संवेदनशील मत रहिएगा कि अरे ये नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ये हो गया तो ये क्या होगा। भ्रम और वहम का कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे आपको कार्यक्रम ऐसे भी मिलेंगे कि खुले छत पर ये फेंक दीजिए तो ये हो जाएगा, खुले छत पर ऐसे फेंक दीजिए तो ये हो जाएगा, ये प्लीज़ आप इसको आलोचना के रूप में मत लीजिएगा, आप जागरूकता के रूप में लीजिएगा कि थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा, बस ये उद्देश्य हमारा है। बाकी सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, हम भी अपनी दुकान ही चला रहे हैं, इससे पहले कि आप लोग कहिए हम खुद ही कह दे रहे हैं, 4-6 लोग कह देते हैं तो उनका हमने काम आसान कर दिया है। खैर, दुकान दुनिया चलाती है, दुकान माता पिता भी चलाए हैं, दुकान चलाने में ही हमारा आपका जन्म हुआ है। गहराई में आएंगे तो यहाँ पर भी तर्कों से धज्जियाँ उड़ा देंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम की विशेषता ही है तर्क। ये भूमिका था, धन त्रयोदशी की भूमिका थी और आप लोगों के लिए जागरूकता। उद्देश्य एक सबसे सकारात्मक और वो है आप सब धन त्रयोदशी के दिन जितने भी दीपक जलाएं उन दीपक में गुलाब के सुगंध का इत्र लगाना है और नीम की पत्ती का रस। आइए, मिल गया अमृत ज्योतिष जरा हटके।
सात नीम की पत्ती का रस मसल कर पानी से या सिलबट्टे पर इमाम दस्ते में खून कूंच कर टपका लीजिए। धन त्रयोदशी के दिन मुश्किल से मेरे ख्याल से चार या पांच दिया, मुख्य दिया एक दक्षिण दिशा में होता है यम के लिए, एक मुख्य द्वार पर होता है और बाकी एक दो जगह और घर में रखे जाते हैं। मुश्किल से चार या पांच दिया जलाए जाते हैं। इन सभी दीपों को धुल करके एक प्लेट में रख लीजिए। एक कटोरी में नीम की सात पत्तियों का रस और गुलाब के सुगंध का इत्र अलग रखिएगा। पत्तियों का रस अलग रहेगा, सुगंध अलग रहेगा। पत्तियों का रस दिए में अंदर की तरफ से हल्का हल्का लगा दीजिए सातों दिए में। मिट्टी का दिया होगा तुरंत सोख लेगा। और गुलाब के सुगंध का जो इत्र है, राइट हैंड की लिटिल फिंगर से दीपक के पेदे पर नीचे की तरफ एक बार टच कर दीजिए। फिंगर में पहले सुगंध लगाइए और दिए पे टच कर दीजिए नीचे से। स्पेशल धन त्रयोदशी, स्पेशल धनतेरस बहुत बहुत मुबारक हो। बचा हुआ रस कहीं तुलसी के पत्ते में पौधे में डाल दीजिएगा, कटोरी धुल के रख लीजिएगा और बाकी दिया जहां लगाना है लगा लीजिएगा। हमारी तरफ से बहुत सारा शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली आप सबके लिए। दिनांक 9-10-11 तारीख को आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं कलकत्ता में, 22-23 तारीख को नागपुर में, 24-25 तारीख को रायपुर छत्तीसगढ़ में। अपॉइंटमेंट के लिए अपने शहर का नाम, अपना नाम और कॉलिंग नंबर लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारे शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, श्री राधे, जय श्री कृष्ण।